बदले हुए जीवन शैली में लोग अपने आप को फिट रखने के लिए कई तरह के बदलाव करते हैं। कोई अपना वजन बढ़ाना चाहता है, कोई अपना वजन कम करना चाहता है, लेकिन अधिकतर लोग अपने बढ़े हुए वजन को लेकर परेशान हैं। बढ़े हुए वजन से हमें काफी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि जब पेट में चर्बी बढ़ जाती है तो हाई बीपी, डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। इसीलिए हमें अपने वजन को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। आज हम आपको वजन कम करने का एक घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे आपका बढ़ा हुआ वजन बिल्कुल कम हो जाएगा। रायबरेली के आयुर्वेदिक चिकित्सालय सिवगढ़ की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर स्मिता श्रीवास्तव के मुताबिक रामदाना एक प्रकार का सुपर फूड है, जिसका प्रतिदिन सेवन करने से हमारा वजन आसानी से कम हो जाएगा और हमें कई गंभीर बीमारियों से राहत भी मिलेगी। वह बताती है कि रामदाना के बीज को चौलाई या फिर राजगिरा कहते हैं, जिसमें कई प्रकार के पोषक तत्व, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स, आयरन, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। रामदाने की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसका सेवन आमतौर पर सर्दी के मौसम में किया जाता है। यह ग्लूटेन फ्री होता है, जो लोग गेहूं के आटे की बनी रोटी नहीं खा पाते हैं वह इसका सेवन कर सकते हैं। यह हमारे पाचन तंत्र के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इसका सेवन करने से कब्ज, गैस, अपलीचिंग, ब्लोटिंग, एसिडिटी की समस्या नहीं होती। इसका सेवन करने से ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या से भी राहत मिलती है। साथ ही यह हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत करने में काफी कारगर होता है। वह बताती है कि सामान्य तौर पर लोग इसके लड्डू बनाकर इसका सेवन करते हैं। रामदाना जो कि यहाँ पे भी हमने देखा शिवगढ़ में उगाया जाता है, तो उसका जो बीज निकलता है, चौलाई जिसको लोग बोलते हैं, तो ये जो एक हाई प्रोटीन है, बहुत सारे मिनरल्स और कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, दूध से अच्छा कैल्शियम इसमें पाया जाता है, तो इसको आजकल सुपर फूड की तरह कह रहे हैं। तो हड्डियों की कमजोरी महिलाओं को इनको लेना चाहिए, जिनको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्याएं हैं, बाकी इससे पेट में कब्ज की और अर्श की पाइल्स की समस्याओं का मतलब इसमें दूर होता है। और रामदाना के पत्ते मिल जाएँ तो जैसे इसको भी कई बीमारियों में, जैसे कि इसमें इनको इसका रस बना के देने से इसमें फायदा करता है।